देवास टेकरी की कहानी 5000 साल पहले के किस्से बयां करती है। यहाँ पहाड़ों वाली मैया की कहानी कई अतीत के पन्ने खोलती है, जहां पर कहा जाता है कि यहाँ राजा पृथ्वीराज चौहान से लेकर राजा भर्तृहरि तक अपना शीश झुका चुके हैं। यहाँ दोनों देवी दिन में 3 रूप बदलती है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है और बच्चों को पाने की इच्छा से मन्नतों के लिए माँ को पान का बीड़ा खिलाया जाता है। इतना ही नहीं, यह नवरात्रि में 9 दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देवास टेकरी में हर मंदिर के पास देवी देवता का अपना एक कुंड है। हर मंदिर सीधे हाथ पर घड़ी के चक्र अनुसार यहाँ मिलता है। इतना ही नहीं, जग प्रसिद्ध इस मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। आपको बता दें, माता सती के 51 शक्तिपीठों में से 7 पीठ मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन एकमात्र रक्तपीठ देवास टेकरी पर स्थित है। माँ तुलजा और माँ चामुंडा देवी की महिमा से वेद पुराण भरे पड़े हैं। ऐसे ही रक्तपीठ की कहानी आज हम आपको बता रहे हैं, जो नगरी देवास में या यूं कहें कि देवासिनी में स्थित है। माँ चामुंडा और तुलजा भवानी की नगरी के नाम से प्रसिद्ध देवास नगरी टेकरी के चारों ओर बसी है। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ 2 बहनों की गाथा है, जिनमें आपसी भेद के बाद 2 दूसरे के विपरीत हो गई थी, जिनके बीच में पड़ी दरार की लकीर आज भी साक्षी है। यहाँ एक शंख द्वार है जो कि रपट मार्ग है, वहीं दूसरा सीधी मार्ग है। ऐसे 2 द्वार यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हर वर्ष बढ़ती श्रद्धालु की भीड़ को देखते हुए 2 द्वार और बनाए गए हैं। हम सीहोर मध्य प्रदेश से आए हैं। अभी देवास वाली माता जी चामुंडा के यहाँ पर हैं। दर्शन करने से अच्छा है, यहाँ पर शांति मिली थोड़ी और स्थान वगैरह सभी अच्छा है, तो अच्छा लगा। मतलब यहाँ पहली बार आई हूँ वैसे मैं तो, पर अच्छा लगा काफी यहाँ पर आकर। ये मालवा क्षेत्र की शान है हमारी देवास शहर की माता रानी के दरबार में। मैं हर साल नवरात्रि शादी नवरात्रि के एक दिन पहले आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और नवरात्रि पर प्रतिदिन आता हूँ सुबह शाम। इसलिए मैं आज माता रानी की मथुरा टेकने आया हूँ। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि माँ जी गोद में बैठे हैं, और एक अलग लगता है यहाँ पे बैठ के। यहाँ जो है एक बार जो आ गया और 8-10 दिन सदंग आ गया तो सरवण तो फिर माता जी को छोड़ नहीं सकता। मैं जब पहली बार यहाँ आया, जब मैं बहुत अस्थमा का मरीज था, लेकिन आज 22 साल हो गए, मेरी बीमारी वगैरह सब ठीक हो गई और माँ भगवती की बहुत कृपा है। इसलिए रोज आरती में सब सम्मिलित होते हैं, आरती में आते हैं। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली पूछे तेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे ऐसा माना जाता है कि माता सती को लेकर जब भगवान शिव तांडव कर रहे थे, तो उस वक्त चक्रधारी विष्णु भगवान ने अपने चक्र से सती के शरीर टुकड़े करना शुरू किए थे। जहाँ जहाँ वह अवयव अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ हो गए, लेकिन जहाँ रक्त गिरा वह शक्तिपीठ हुआ, जो कि एक माँ चामुंडा के रूप में तो एक तुलजा भवानी के रूप में यहाँ स्थित है। बड़ी बहन माँ तुलजा भवानी धरती भूमि में समा रही थी, तो माँ चामुंडा देवी पहाड़ से नीचे उतरते हुए जा रही थी। मान्यताओं के अनुसार देवियाँ हर भक्तों की मुराद पूरी करती है। यहाँ पहाड़ अब्रक का बना हुआ है, जो रात में चांद की रोशनी में चमकता है। हालांकि इसका शनरन भी हो रहा है, जिसे रोकने के यहाँ जालियाँ भी लगाई गई हैं। ये सती युग से तो मंदिर माँ का सदैव है, बाकी 5100 वर्ष पुराना जब स्टेट परिवार की ओर से मंदिर का निर्माण किया गया, तो इसी बीच लोगों का आना जाना हो, माने चमत्कार दिए कई लोगों को, और तुलजा भवानी और चामुंडा
और नौ माताओं की उत्पत्ति हुई है यहाँ पर, क्योंकि रक्त गिरा था। तुलजा भवानी बड़ी माँ और चामुंडा छोटी है। बताते हैं कि दोनों बहनें इसी जगह पर थी, यहाँ से चामुंडा उधर चली जा रही थी, तो बाबा भैरुनाथ और बजरंग ने प्रार्थना की तो माँ विराट स्वरूप में खड़ी हो गई। जब बड़ी माँ ने देखा छोटी उधर चली गई थी, पाताल विराजमान होने लग गई, तो पाताल विराजमान हो रही थी, तो बजरंग भैरु ने भी इन्हें प्रार्थना की तो माँ इतने अपने पाताल में विराम देते देते इतनी रुक गई। इधर से उधर जो आप पहाड़ देख रहे, लोग आते जाते थे, फिर माता बहने ऐसी निकल गई, दिन पे दिन रास्ता भी चिपकता गया। और आज भी तीनों बहने तीन स्वरूप चेंज करती है, सुबह बाल अवस्था में रहती, बारह आदि अवस्था में, सूर्य के बाद वृद्धावस्था में, या नाथ संप्रदाय को परंपरागत माँ की आरती पूजा धूप की जाती है। यहाँ का महत्व ये है साहब, पूर्व से शुरू से यहाँ माँ प्राचीन काली मंदिर है और ये बहुत पुराना है, और यहाँ के शुरू से ही ये नौ दिन के पर्व ऐसा मनाया जाता है कि न तो भीड़ कम होती है और सुबह से लेके नौ दिन तक पूरे दिन मंदिर खुला ही रहता है। चामुंडा सेवा समिति विगत 40 वर्षों से सेवाओं में श्रद्धालुओं के निरंतर अग्रसर है। इस वर्ष माननीय जिलाधीश महोदय के अथक प्रयास से चामुंडा देवस्थान प्रबंध समिति के माध्यम से हमने सारी व्यवस्था की है। चामुंडा सेवा समिति तो नाम है, लेकिन सारा श्रेय अगर उसको जाता है तो माननीय जिलाधीश महोदय, हमारी देवास की लाडली विधायिका श्रीमती गायत्री अजय कुमार साहब और माननीय एसडीएम साहब, माननीय परमेश्वर साहब। दोनों देवी शक्तावतों की आराध्य देवी है, जो शक्ति की सर्वोच्च देवी है। यहाँ अनादिकाल से शक्ति की देवी की उपासना करने देश भर से माता के भक्त आते रहते हैं। माता तुलजा भवानी और चामुंडा महारानी के नाम से विश्वविख्यात देवास का एक और नाम देवासिनी भी है। इस सर्वोच्च पीठ पर नवरात्रि के महापर्व पर लाखों भक्तों की भीड़ रहती है, जहां प्रतिदिन हजारों लोग पैदल दूर दूर से मां के दरबार में माथा टेकने पहुंचते हैं।